नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा भट्ट। उत्तराखंड के गैरसैंण में आज से बजट सत्र शुरू हो गया है, जिसके लिए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी विधानसभा पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं दूसरी ओर विधानसभा के बाहर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राज्य में हुई परीक्षाओं में धांधली, महंगाई और अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा भवन के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। साथ ही सत्र के लिए सत्ता और विपक्ष के कई विधायक भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में पहुँच गए हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आज सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी अपनी अपनी परीक्षाओं से गुजरेंगे। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये सत्र मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार 8 महीने बाद विधानसभा सत्र हो रहा है। ऐसे में पिछले 8 महीने के सारे घोटाले और पेपर लीक मामलों को लेकर कड़े सवाल पूछने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को न सिर्फ विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बल्कि विपक्षी हमलों को नाकाम करने का दबाव भी उन पर रहेगा। तो अब देखना होगा कि इस विधानसभा सत्र में क्या नया सामने आता है, और ये भी देखना रोमांचक रहेगा कि विपक्ष पिछले कुछ समय से हो रहे रोजगार, भर्ती घोटाले और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष का क्या वार रहेगा, और इस पर मुख्यमंत्री धामी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।